हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सीएमए क्वालिफाइड कर चुके हैं, डॉक्टरेट, मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर हम अपने नाम के आगे सीएमए कब यूज कर सकते हैं, एडमिशन प्रीफिक्स कब कर सकते हैं सीएमए, एंड अगर हम मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो हमें ट्रेनिंग किस तरीके से करनी है। इट मीन्स कि हमें 3 साल की 3 इयर्स की ट्रेनिंग करनी है या फिर हम जॉब करेंगे वो भी एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाएगा। तो वो सारी चीजें जो आपके दिमाग में डाउट चल रही है इस वीडियो के थ्रू मैं आपको क्लियर करूंगा। तो फर्स्टली मैं अपना स्क्रीन आपके साथ में शेयर करता हूँ एंड वन बाय वन चीजों को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये सेम इंस्टीट्यूट का पोर्टल है, मेंबरशिप का आप देख सकते हो। यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन मेंबरशिप के लिए अप्लाई फॉर मेंबरशिप पे आपको क्लिक करनी है। देन आपको ये विंडो शो होगा। सो व्हाट यू विल डू हियर, सम बेसिक कंडीशंस आर मेंशंस कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर क्लेमिंग ए मेंबरशिप थ्रू द इंस्टीट्यूट। तो इसमें अगर मैं आपको ये सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि आपके पास 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इट मीन्स कि नहीं, आप आपको एज ए सीएमए ट्रेनी ही काम करना है, आप एज ए एम्प्लॉय भी वर्क कर सकते हो, वो भी एक्सपीरियंस आपके काउंट की जाएगी। अब एज ए एम्प्लॉय पोस्ट क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं या एज ए एम्प्लॉय प्री क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं? तो जैसे सीएमए कोर्स में 15 मंथ की ट्रेनिंग कंपलसरी है या सम ऑफ स्टूडेंट के केस में 6 मंथ की ट्रेनिंग कंपलसरी है। तो जिन स्टूडेंट्स ने या तो अपने 6 मंथ की ट्रेनिंग की होगी या तो अपने 15 मंथ की ट्रेनिंग प्री क्वालिफिकेशन कर दी होगी सीएमए क्वालिफाइड होने से पहले। अब आपकी रिमेनिंग पीरियड बचती है, सो अब आप सीएमए क्वालिफाइड हो चुके हो तो आप एज ए ट्रेनिंग कहीं वर्क नहीं करोगे, बिकॉज आपको बहुत कम पेमेंट मिलेगी अगर आप एज ए ट्रेनिंग वर्क करते हो। सो इट इज बेटर फॉर यू कि आप एज ए एम्प्लॉय जॉब ज्वाइन करो कहीं पे, एंड जो आपकी वो जॉब एक्सपीरियंस होगी वो काउंट की जाएगी आपके ट्रेनिंग एक्सपीरियंस में। बिकॉज सीएमए इंस्टीट्यूट कहीं भी कंपलसरी आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं डालता कि आपको एज ए ट्रेनिंग ही काम करना है 3 इयर्स, आप एज ए एम्प्लॉय भी वर्क कर सकते हो, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी सीएमए क्वालिफाइड करने से पहले ही 3 इयर्स के जॉब एक्सपीरियंस उनके पास। सपोज मैं एक बीकॉम ग्रेजुएट हूँ या फिर मैं एमकॉम ग्रेजुएट हूँ या फिर मैंने एमबीए कर रखा है और मैं ऑलरेडी एमएनसीज में 5-6 इयर्स वर्किंग हूँ या फिर अदर कोई भी प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी में मैं वर्किंग हूँ, देन मैं जब भी मैं सीएमए क्वालिफाइड करूंगा देन मैं इमीडिएट एलिजिबल हूँ मेंबरशिप क्लेम करने के लिए, और मैं जब भी मैं मेंबरशिप क्लेम करूंगा मुझे मेंबरशिप मिल जाएगा। तो सीएमए इंस्टीट्यूट बस 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को काउंट करती है, और वो भी जो रिक्वायर्ड एरिया उन्होंने बता रखा है आपको, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस, वही सारी एरियाज होनी चाहिए जो इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे मेंशन। तो आप मेंबरशिप के लिए एलिजिबल हो, आपको कंपलसरी ट्रेनिंग नहीं करनी है आफ्टर क्वालिफाइड की, आपको एज अगेन आपको रिमेनिंग पीरियड एज ए सीएमए ट्रेनिंग कंप्लीट करनी नहीं, आप एज ए जॉब को भी कंसिडर किया जाएगा अगर आप जॉब भी करते हो। एंड देन अब बात आती है कि आपको मेंबरशिप क्लेम करना है तो आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखो, एक आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, देन आपके पास एक डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ होने चाहिए जिसमें आप अपने 10th की मार्कशीट को भी अटैच कर सकते हो, या फिर पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या फिर कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज किया गया है उसको आप डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आप दे सकते हो। देन अगेन नेक्स्ट जो आपको चाहिए वो आपके सीएमए फाइनल क्वालिफाइड की जो मार्कशीट आती है एंड जो सीएमए फाइनल क्वालिफाइड की प्रोविजनल सर्टिफिकेट आती है आपके पास वो होना चाहिए। वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए जिसे आपको अटैच करना है। देन लास्ट स्टेज क्या आती है, आपने जितने भी कंपनी में काम किया है, जो आपको 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपकी कंप्लीट हो रही है, तो सपोज मैंने अगर 3 कंपनी में काम किया है विद इन दिस 3 इयर्स, तो मेरे को हर एक कंपनी का मेरे पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। एंड और सारी एक्सपीरियंस लेटर को ना आप एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो, मर्ज कर लो सारे पीडीएफ को, वो जो आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए वो साइंड बाय किसी सीएमएस होना चाहिए जो इंस्टीट्यूट का मेंबर है या फिर कोई गैजेटेड ऑफिसर है, उसके थ्रू वो डॉक्यूमेंट साइन होना चाहिए। सो ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो आप इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे आओ इस पार्टिकुलर एम2 फॉर्म के सेक्शन में, एंड यहाँ से आप मेंबरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इनिशियल पेमेंट जो लगता है 2000 प्लस 18% ऑफ जीएसटी लगता है, एंड देन अगेन नेक्स्ट ईयर से आपको 1000 प्लस 18% ऑफ आपको जीएसटी पेमेंट करनी पड़ेगी एफडीएफ।
अब मेंबरशिप लेने के बेनिफिट्स क्या क्या है? तो मेंबरशिप लेने के मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट है कि आपने सीएमए क्वालिफाइड किया है, आप अपने नाम से पहले थ्री वर्ड्स लगाना चाहते हो सीएमए, तो अगर आप थ्री वर्ड्स अपने नाम से पहले प्रीफिक्स करना चाहते हो तो इट इज कंपल्सरी फॉर यू, बिकॉज अगर आप विदाउट, अगर आपके पास मेंबरशिप नहीं है और अपने नाम के आगे सीएमए वर्ड को यूज करते हो तो यू आर लाइबल फॉर सम पेनाल्टी विच आर मेंशन इन द इंस्टीट्यूट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आप लीगल तौर से आप ऑथराइज नहीं हो जब तक आपके पास मेंबरशिप नहीं होता है आप सीएमए वर्ड को यूज करने का। तो सबसे फर्स्ट बेनिफिट इसका ये है कि आप अपने नाम के आगे सीएमए वर्ड को यूज कर सकते हो, प्रीफिक्स कर सकते हो। सेकेंड बेनिफिट क्या है, तो आप बहुत सारे गवर्नमेंट वैकेंसीज में देख सकते हो कि वहां पे ना ए सी एम ए वर्ड यूज किया जाता है या ए आई सी डब्ल्यू वर्ड यूज किया जाता है। इट मीन्स जो स्टूडेंट सी एम ए क्वालिफाइड है एंड अलॉन्ग विथ मेंबरशिप है वही उस पार्टिकुलर वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आ जाती है गवर्नमेंट कंपनीज में भी या फिर कुछ प्राइवेट कंपनीज में भी जहाँ पे वो मेंबर्स को ही हायर करना चाहते हैं, नहीं कि सिर्फ सी एम ए क्वालिफाइड को। इन दैट केस इट विल हेल्प यू। ओके, एंड ऑल थिंग्स आर सेम, बाकी और कुछ और अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट्स नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट्स में आप ये कह सकते हो कि जब आप मेंबर बन जाते हो तो आप वोट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप वोटिंग कर सकते हो सेम इनपुट के जो काउंसिल्स के वोटिंग्स होते हैं उसमें आप वोट कर सकते हो। इसके अलावा आपको कंपलसरी बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, आप उस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपने नॉलेज को, जो डे टू डे अपडेट्स आते हैं वो सारे से रिलेटेड बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं आप देखते हो, उन सब चीज में आप पार्टिसिपेट करना आपके लिए भी कंपलसरी हो जाता है। एंड देन आपको उसकी एक सीपी क्रेडिट आवर्स भी मिलते हैं। तो ये सारी बेनिफिट्स, इसके अलावा भी बहुत सारी बेनिफिट्स है, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट था वो सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। तो अगर आप अपनी मेंबरशिप लेना चाहते हो तो आप पोर्टल पे जाओ एंड अपने एक्सपीरियंस लेटर के साथ आप एप्लीकेशन में अप्लाई करो। आपको 15 टू 20 डेज मैक्सिमम लग सकते हैं मेंबरशिप आने में। मेरे केस में मुझे विद इन 7 डेज में ही मुझे मेंबरशिप मिल गया था थैंक्स टू सेम इंस्टीट्यूट। बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप इसको लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें।